आज की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में। काला जामुन के हम बनाएंगे। काला जामुन ये हमने मावा लिया, 1 kg मावा है, इसको मैश करना है। ये गुलाब जामुन का भी मावा है और हमने जो कि खुद मावा बना कर गुलाब जामुन बनाए थे उसके आप लोग लिंक दे देंगे, जाकर चेक कर लेना कि आप लोग वो कैसे बना सकते हैं। और ये हमने जो रेडीमेड मार्केट में मावा आता है गुलाब जामुन का वो है, उससे बनाएंगे गुलाब जामुन, काला गुलाब जामुन। तो चलिए, हमने 1 kg मावा लिया है, ये इसको अच्छे से मैश कर लिया है और इसमें हमने बेसन की बर्फी बहुत गजब की डाली, उसकी लिंक दे दूंगा, चेक कर लेना, समर्थ चैनल पे ही है। तो ये देखिए हमने कॉर्नफ्लोर डाला, इसमें 140 ग्राम कॉर्नफ्लोर डालना है 1 kg मावा में। अगर आपका इस मावा के अंदर घी ज़्यादा है तो आप इसमें 150 ग्राम डाल सकते हैं, और 140 ग्राम में आपका बढ़िया सॉफ्ट और बहुत अच्छा बनेगा, ये देखिए। और इसको अच्छे से मैश करना है, मैश बढ़िया से मैश करेंगे। ये देखिए आप लोगों को दिखाते हैं, बिल्कुल इसमें पो नहीं होने चाहिए एक भी। और इलायची पाउडर 1 teaspoon हम इलायची पाउडर लेंगे, ये देखिए अच्छे से मैश कर लेना है, जैसे हम आटा लगाते हैं इस तरीके से पूरा मैश कर लेंगे। ये एक भी दाना नहीं होना चाहिए मावे में, आपके उसमें गुठली गुठली आएगी तो दाना नहीं होना चाहिए गुलाब जामुन के अंदर, वो अच्छे से मैश करना होता है। या मावे को आप ग्रेट कर लें, हमने ग्रेट करके रखा था मावा। ये देखिए ये हमारा मावे का डो रेडी है, इसको हम बोलते हैं। और इस तरीके से हम इसको डो बना लेंगे इसका। अब इससे हम बनाएंगे काला गुलाब जामुन, और काफ़ी टेस्टी, काफ़ी अच्छा, ये रेडी। अगर आपके पास टाइम, अगर इसमें टाइम लग रहा है तो इसको आप थोड़ी देर फ्रिज में रख दें, ठंडा रहने दें ना। और हमने लिए काजू, इसका हम बनाएंगे, आप लोग दिखाएंगे क्या करेंगे काजू का। छोटे छोटे पीस लिए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं लेना है। और हमने डाला पिस्ता कतरन, बादाम कतरन, थोड़ा थोड़ा लिया है, 1 kg मावा के हिसाब से हमने लिए हैं। और ये होंगे 20-20, 25-25 ग्राम। और ये जो हमने मल्ली लगाई थी, जो हमने डो लगाया था वही वाला मा, उसी में से निकाल के डाला। और थोड़ा सा हमने केसर ली है, जो हमने मल्ली लगाई हुई थी वही है जो डो बोला मैंने, उसी में से थोड़ा सा निकाल लिया हमने। और ये मिल्क मसाला, दूध मसाला बोलते हैं इसको, ये डाला हमने 1/2 teaspoon, थोड़ी की केसर डाली है, ये देखिए। और इसको मैं अच्छे से मैश कर लेंगे इस तरीके से, और खाने में बहुत टेस्टी लगता है काला गुलाब जामुन, लाजवाब, ये देखिए। तो इस बार आप लोग इस तरीके काला गुलाब जामुन बना सकते हैं। बहुत सारी रेसिपी हैं काला गुलाब जामुन की, लेकिन थोड़ी सी अलग है। और आप लोग ये देखिए मल्ली रेडी। अब इसके हम छोटी छोटी गोली बना लेंगे, ये इंद्रानी की तरह छोटे छोटे पीस तोड़ लेंगे, ये देखिए अंदर स्टफिंग करने के लिए चाहिए हमें। चलिए हम चाशनी बना लेते हैं। और ये हमने जो पानी लिया है, जो दूध का सॉसपैन था उसी में डाल दिया पानी हमने, और 500 ग्राम पानी डाला है इसमें हमने, और 1 kg शक्कर, 500 ग्राम पानी, दूध के वाला सॉसपैन था उसी में। और इस तरीके से हमारी चाशनी पक जाएगी, और जो साइड में मैल आ गया इसको हम निकाल लेंगे, तो हमारी चाशनी भी साफ होगी, हमें दूध डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। उसी सॉसपैन में हमने जो दूध गर्म करा था उसी में हमने पानी डाल दिया था। ये हमारी चाशनी रेडी गुलाब जामुन के लिए, और इस तरीके से हम चाशनी रेडी कर लेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए 1 kg गुलाब जामुन की, ये देखिए ये इस तरीके से एक तार की चाशनी हो जानी चाहिए, लगभग एक तार जैसी होने चाहिए, तो आपका गुलाब जामुन बहुत टेस्टी बनेगा। तो ये हमारी चाशनी रेडी। तो आप लोगों के लिए जैसे कि 1 kg गुलाब जामुन का मावा लेते हैं, 1 kg मावे का आप गुलाब जामुन बना रहे हैं तो आपको 2 kg शक्कर लगेगी, हमने बनाई है 1 kg की। हमारे पास बाकी चाशनी रखी है, इसे बना के आप लोगों को दिखाने थी, ये देखिए हमारी चाशनी रेडी। तो इस तरीके से आप गुलाब जामुन की चाशनी रेडी कर सकते हैं। और आप लोगों 1 kg मावा की गुलाब जामुन बनाना है तो 2 kg शक्कर की चाशनी बनाने होगी, ताकि अच्छे से ये डूब सके। तो चलिए हम बना इसमें आप लोगों दिखाते हैं गुलाब जामुन बनाने के लिए चाहिए हमें। तो इस तरीके छोटे छोटे पीस तोड़ना है, ये देखिए छोटे छोटे पीस तोड़ लिए हमने, ये इस तरीके से तोड़ लेंगे और ये हमारे रेडी। और आप चलिए आप लोगों दिखाते हैं हम गुलाब जामुन बनाकर, और कैसे इसके अंदर स्टफिंग करना है, पराठे की तरह करना है, ये देखिए इस तरीके से तोड़ लेंगे आपको जितना बड़ा चाहिए। और इस तरीके से इसके अंदर हमें स्टफिंग करना है अंदर,
ये देखिए फटना नहीं चाहिए, और इसको हम गोल कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें गोल कर लेना है, ये देखिए। तो इस तरीके से सारे गुलाब जामुन के अंदर हम स्टफिंग करेंगे, वो गोल करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन टेस्टी बहुत बनते हैं। ये देखिए ये, और ये हमारे गुलाब जामुन रेडी। ये देखिए अब इसको हम सेक लेते हैं, एकदम मीडियम फ्लेम पे सेकना, एकदम ठंडा होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होने चाहिए, हल्का सा गर्म होने चाहिए हमारा तेल घी जो भी लेंगे हम, तो ज़्यादा गर्म नहीं होने चाहिए। और ये हमें कढ़ाई इस तरीके से घुमाना है, जिस बर्तन में हम सेक रहे हैं उसको घुमाना है, ना नीचे लग जाएंगे। और आपका घी या तेल जो भी आप लेंगे वो ज़्यादा होने चाहिए, ना उसमें ही आपके फट जाएंगे, घी या तेल कम नहीं होना चाहिए। ये देखिए तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। ये ऊपर आने के बाद फिर हमें सेकना है स्लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे सेकना है। जैसे ऊपर आते हैं तो हम मीडियम फ्लेम कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, ज़्यादा फास्ट पे बिल्कुल भी नहीं पकाना है, आपके कच्चे रह जाएंगे अंदर से, ऊपर से कलर आ जाएगा। तो एकदम स्लो ऑयल में ही पकाना है, इस तरीके से हम घुमाते रहेंगे ताकि चारों तरफ सिकें वो, जब तक हम इसको रेगुलर इसको चलाना है, छोड़ना नहीं है। और ये देखिए एकदम काला गुलाब जामुन हमारा हो चुका है, अब हम निकाल लेते हैं। ये देखिए तो इसमें आप लोगों बताया कि बिल्कुल रेगुलर चलाना है, छोड़ना नहीं है, ना आपका गुलाब जामुन एक साइड से लाल पड़ जाएगा, दूसरी साइड से आपका होगा नहीं तो गुलाबी दिखेगा। ये काला गुलाब जामुन हमारा रेडी। तो अब चलिए हम निकाल लेते हैं, और ये चाशनी, चाशनी में डाला। ये देखिए जैसे हमने डाला तो अभी ऊपर है, धीरे 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 पिएगा और जाने लग जाएगा। देखिए आधा पी लिया इसने चाशनी, तो अंदर चला जाएगा। अगर आपका ये चाशनी नहीं पीता है प्रॉपर, तो इसको आप थोड़ी देर पतली चाशनी कर दें। ये देखिए पूरा चला गया, तो ये देखिए इस तरीके से पूरा डूब जाएगा, और ये हमारा गुलाब जामुन रेडी। अब चलिए आप लोग हमें सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए पूरा पी ली उसने चाशनी, पूरा डूब गया गुलाब जामुन। तो चलिए हमारा काला गुलाब जामुन रेडी, इस तरीके से आप लोग सर्व कर सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा और कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं काला गुलाब जामुन। तो हमारी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी है, और आप लोगों को काट के दिखाते हैं, तो लाइक करना मत भूलना। और आप लोगों जिसमें लिंक दे दूंगा मैं गुलाब जामुन की, जो हमने दूसरा गुलाब जामुन डाला है उसकी लिंक मिल जाएगी, जाके चेक कर लेना। और बेसन की बर्फी देखना मत भूलना, बहुत गजब की है, पंजाबी ग्रेवी। तो चलिए आप लोग हम गुलाब जामुन काट के दिखाते हैं, बहुत ही गजब का, बहुत ही अच्छा है। ये देखिए कितना बढ़िया अंदर से देखिए स्टफिंग, और जब आप काटेंगे तो ऐसे ही निकलेगा अंदर से। तो हमारी रेसिपी अच्छी लगी है लाइक ज़रूर कर देना, और आप लोग लिंक मिल जाएगी सभी चीज़ की, जाके चेक कर लीजिएगा। और आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, इस तरह जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। और बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, तो इसके लिए आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। धन्यवाद। इस तरीके से आप लोग काला गुलाब जामुन बना सकते हैं। ये देखिए, थैंक यू।